नरेगा जैसी बेकार योजना मैंने कभी नहीं देखी। नरेगा, मनरेगा, मनरेगा, महात्मा गांधी योजना। सात में से दस में से सात युवाओं को ड्रग की प्रॉब्लम। गुजरात को अगर किसी ने खड़ा किया है, गुजरात को किसी ने खड़ा किया है, गुजरात को अमूल दिया है, गुजरात को दूध दिया है, तो इस तरफ देखिए, इन महिलाओं ने दिया है, गुजरात की महिलाओं ने दिया है। वैसे आजकल आप करती क्या हैं? मेरी दो बहुत बड़ी दूध की फैक्ट्रीज हैं। पहले पेट्रोल $130 प्रति बैरल हुआ करता था, आज ₹35 प्रति बैरल है। गलती कर दी, सही बात है। परसों मैं भाषण सुन रहा था और मैं ऐसे हिला, कल मैंने आंख बंद करी, मैं सोच रहा था चिदंबरम जी हैं। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए, क्यों कष्ट हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार दीजिए। वाह, छोटे सिक्के ने क्या बात बोली, बोली है तो ऐसी बोली है जैसे बंदूक की गोली। अगर आप युवा कार्यकर्ता से बात करें, अगर आप महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता के बात से बात करें, पहली बार वो कह रहे हैं कि भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। I hear talk about clean your country. I mean, are we serious? Clean your country is a strategic national government program. Well, it's not working, is it? I don't see it working. You see it working? Okay. I don't see Swachh Bharat working very well. Huh? What? Sir, I think they're agreeing that it's working. You think it's working? Okay, the house is divided. Yes, it's working. Okay. No. Okay, let's ask another question. Do you think Make in India is working? Do you think so? No. You think youngsters in India are getting jobs? No. So, Swachh Bharat isn't working, Make in India isn't working, Connect India isn't working, so I don't... Anyway. Gujarat mein. और एक में से दो बच्चे भूखे हैं, मेल नरिश्ड हैं। हमारे छह हैं, ऊपर आ रहे हैं या अभी उनसे मैं मिलूंगा। छह कैंडिडेट हैं, वो आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं, सबके सब नाम लड़ाई लड़ते हैं। कहाँ हैं उनके नाम? सबके सब नाम लड़ाई लड़ते हैं, कहाँ हैं उनके नाम? सदन में हरेक को पप्पू जी प्लीज बैठ जाए, प्लीज। मोदी जी ने वायदा किया था कि इकोनॉमी बिल्कुल डाउन जा रही है। भैया मैं आरएसएस का नहीं हूँ, मैं गलतियां करता हूं। मैं आरएस के, मैं आपका नहीं हूं, मैं सब कुछ जानता नहीं हूं, सब कुछ समझता नहीं हूं। आपको क्या लगता है, महिलाओं को क्या लगता है, इज्जत की आपकी? भ्रष्टाचार किया,
बलात्कार सॉरी बलात्कार कैन आई आस्क यू अ काउंटर क्वेश्चन हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प देम एज ए सिटीजन इफ आई कैन गिव माय 2 आवर्स 3 आवर्स नॉट नॉट एज ए सिटीजन एज ए यंग इंडियन हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प देम एक्चुअली प्लीज आंसर माय क्वेश्चन फर्स्ट देन आई विल आंसर यू Try. How would you help them? Actually, my question, if I had any answer, then I would have not asked you this question. No, but give it a try. Let me think it needs... Actually, I thought a lot, but I thought that I don't have answer, so I should ask Mr. Gandhi. Please, sir. I didn't understand one thing. I just said one thing. Gandhi is our own, Savarkar is your own. Did I say any wrong thing? Is Savarkar not your own? Did you take them and throw them? सवरकर को आपने फेंक दिया उठा के फेंक दिया आप जवाब दो अरे जवाब दीजिए सवरकर को आपने फेंक दिया क्या उठा के फेंक दिया बाहर कर दिया क्योंकि अगर आपने किया तो बहुत अच्छा किया आपको क्या लगता है महिलाओं को क्या लगता है इज्जत की आपकी भ्रष्टाचार किया बलात्कार I like big butts and I cannot lie. You other brothers can't deny. Rahul Gandhi wants to do is empower the women in this country. Needs to push democracy deeper into the country. It needs to push democracy into the villages. It needs to give women democratic power. It needs to give youngsters democratic power. It is about opening the doors of the Congress Party, about empowering the youth. How is Narendra Modi responsible for the Gujarat riots? That women should be empowered. That democracy should go to your point about the Gujarat riots. And it is very important that women of this country, giving them true power. We talk about superpower, taken part in this type of thing abroad to book. But the real issue at hand here is empowering the women of this country. अब इमोशनल बात कहना चाहता हूं दिल की बात कहना चाहता हूं दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट अब भाषण बोलने दीजिए मुझे 40% स्टूडेंट्स 40% JNU के students, we destroyed their nation and their reputation internationally. 21वीं सदी का सऊदी अरेबिया ह्यूमन रिसोर्सेज का सऊदी अरेबिया हिंदुस्तान इट इज एन ऑनर फॉर मी टू स्पीक टू यू थोड़ा मैं पहले अंग्रेजी में बोलूंगा और अंत में कॉमन पीपल शुड बी एबल टू एंटर पॉलिटिक्स बट दे कैनॉट आई स्पोक अबाउट द ऑप्टिमिज्म एंड द एनर्जी बट दे कैनॉट एवरी सिंगल प्रॉब्लम दिस कंट्री हैज एवरी एक्शन दैट द कांग्रेस पार्टी टेक्स हैज कॉल्ड पार्लियामेंट फॉर ईयर आफ्टर ईयर आप में ये सोच है और मुझ में ये सोच है और बाकी हिंदुस्तान में ये सोच है कांग्रेस पार्टी को देश से निकाल लो कांग्रेस पार्टी है क्या कांग्रेस पार्टी को देश से निकाल लो ये सोच हमारे दिल में है नाउ आई लाइक टू स्पीक अ लिटिल बिट इन हिंदी कांग्रेस पार्टी के दिल में अब क्या है नौ सिलेंडर से बात नहीं बन रही हमें 12 सिलेंडर चाहिए कांग्रेस पार्टी को देश से निकालो ये सोच हमारे दिल में है।
थैंक यू माखन जी, नमस्कार। आज हमारी मीटिंग हुई और बेसिकली दो मुद्दों पे थी, एक करप्शन इशू और लोकपाल, और दूसरा प्राइस राइज के इशू। काफी डिस्कशन के बाद कांग्रेस के सब चीफ मिनिस्टर्स ने डिसीजन लिया है कि फरवरी तक जो अरे सुनाई नहीं दे रहा है राहुल जी, आ गया। तो जो स्टिपुलेशंस नेशनल लेवल के लोकपाल में है, जो अकाउंटेबिलिटी नेशनल लेवल के लोकपाल पे है, वो हम स्टेट लेवल तक ले जाना चाह रहे हैं, और हमारे सब स्टेट्स ने ये एक्सेप्ट किया है।